नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल। आज हम आपको एक और बहुत बड़ी खबर से अवगत कराएंगे और खबर ऐसी है कि आपके सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, आपको बता दें, एक बार फिर रेवाड़ी को शर्मसार करने का मामला सामने आया है कि किस तरीके से अहिरवाल के जो है धब्बा लगा है, काला धब्बा, पीतल नगरी को किस तरीके से बदनाम किया गया है, शर्मसार करने वाली स्थिति सामने आई है। जी हां, हम आपको बताएं, पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि गुड़गांव की सीआईए टीम ने किस तरीके से रेमडेसिविर बेचते हुए, यानी कि 2450 रुपए का रेमडेसिविर जो है 23,000 रुपए में बेचते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो ये जो है सीएम फ्लाइंग जो गुड़गांव की है, उसने बड़ी कार्रवाई की थी और रेवाड़ी पुलिस के हाथ खाली रह गए थे। जी हाँ, आपको बताया, पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि गुड़गांव सीएम फ्लाइंग ने किस तरीके से बड़ी कार्रवाई की है, लेकिन अब हम आपको जो खबर देने जा रहे हैं वो उससे भी बड़ी खबर है। सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरीके से पूरा देश जहां कोरोना से जूझ रहा है, कुछ लोग कोरोना को किस तरीके से इलाज की जो दवाइयां हैं रेमडेसिविर उसको अपना व्यापार बना रखा है और किस तरीके से लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। आप जरा दिल थाम करके बैठिए। ये पूरा मामला है भिवानी का। भिवानी जो है सीआईए टू ने बड़ी कार्रवाई की है। हालांकि मामला आपको बता दें आज से करीब 4 दिन पुराना है, लेकिन जो तस्वीर निकल करके आई है इस पूरे मामले में, रेवाड़ी का जो नाम आया है वो बड़ा ही शर्मसार करने वाली स्थिति है कि किस तरीके से रेवाड़ी को कलंकित कर दिया है। कल भी हमने एक डिबेट में आपको दिखाया था कि कई चीजें हैं जो रेवाड़ी को किस तरीके से कलंकित कर रही है। क्या रेवाड़ी पुलिस, क्या रेवाड़ी प्रशासन इतनी गहरी नींद सोया हुआ है कि जो बाहर के अन्य जिलों की जो पुलिस है वो कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई की है? रेवाड़ी पुलिस की कोई इसमें योगदान नहीं है। रेवाड़ी के अंदर ये तमाम चीजें होती रही, प्रशासन के कानों पर, यानी कि कानों कान खबर भी नहीं हो पाई। लेकिन भिवानी सीआईए टू ने एक बड़ी कार्रवाई की है कि रेवाड़ी के एक जो मास्टरमाइंड है नकली रेमडेसिविर बेचते हुए, उसके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है 50,000 रुपए के साथ। सत्यनारायण यादव इसका नाम है। जी हाँ, ये कर्णावास का रहने वाला है। इसको ये अखबार में बकायदा खबर छपी है। आपको बताएं, अभी यानी कि 4-5 दिन पहले की खबरें हैं और इसके अंदर गिरफ्तार करके और इसको जो है 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। हम आपको पूरा मामला बताते हैं कि रेवाड़ी में सत्यनारायण नाम का ये व्यक्ति है, सत्यनारायण यादव, और इसका एक हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर भी चलता है। यानी कि जो जानकारी हमें मिली है कि पुनीत कत्याल हॉस्पिटल है उसमें इसका जो है मेडिकल स्टोर भी चलता है। इसको पकड़ा है और जब इससे पूछताछ हुई तो कई सारी चीज़ें निकल के आई है। भिवानी सीआईए जो टू के इंचार्ज हैं, निरीक्षक है श्री भगवान यादव, उन्होंने यानी कि जो अखबार को दिए जानकारी है उसके अंदर अनुसार हम बता रहे हैं कि किस तरीके से इसके तार जो है नकली रेमडेसिविर से जुड़े हुए थे, किस तरीके से लोगों को नकली रेमडेसिविर बेचे जा रहे थे। एक तरफ लोग जो है कोरोना से बचने के लिए रेमडेसिविर के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और कुछ लोगों ने किस तरीके से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करना यानी कि शुरू कर दिया सिर्फ महज एक पैसा कमाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी खबर है कि पैसा कमाने के लिए लोग किस तरीके से लोगों की जान से खेल रहे हैं, नकली रेमडेसिविर यानी कि सप्लाई कर रहे हैं। तो पूरा जो खुलासा हुआ है, पुलिस की पूछताछ में सत्यनारायण ने बताया है कि हिमाचल के जो बद्दी की एक जगह है, बद्दी की एक फैक्ट्री है, वहां से ये सब नकली इंजेक्शन जो है तैयार किए जाते थे। सत्यनारायण का रेवाड़ी में एक मेडिकल स्टोर भी है, वह बद्दी की दवा फैक्ट्रियों से दवाओं का ऑर्डर भी लाता था और मेडिकल स्टोरों पर दवाइयां उपकरण यानी कि सप्लाई करता था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने लंबे समय से ये जो काम कर रहा था। और इसका जो पूरा जो खुलासा हुआ है इसमें और भी लोग गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें इसके अंदर टोटल जो है ना, जो हमें जानकारी मिली है कि 50,000 रुपये के साथ इसको रंगो हाथे गिरफ्तार किए हैं और मास्टरमाइंड से ही 4 अन्य आरोपियों को भी यानी कि काबू में किया गया है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी बड़ा नेक्सस यहाँ पे चला हुआ है कि जो पिछले दिनों जो आपको हम बार बार बता रहे हैं कि जो है गुड़गांव सीएम फ्लाइंग ने जो कार्रवाई की थी उसको लेकर के, तो वो भी तार कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं कि किस तरीके से तमाम हॉस्पिटलों में इसकी दवाइयां वगैरह सप्लाई होती थी और ये जो है 30-35 हज़ार रुपये में रेमडेसिविर को जो है बेच रहे थे। तो आप समझ सकते हैं। और रेमडेसिविर का भी जो बनाने का तरीका है वो भी इन लोगों ने बताया है कि किस तरीके से, यानी कि हम बताएं पूरा मामला क्या था। भिवानी के रोहतक गेट स्थित एक निजी हॉस्पिटल में 7 मई को सीआईए व औषधि नियंत्रण की टीम ने
मेडिकल स्टोर संचालक को रेमडेसिविर के दो नकली इंजेक्शन को 70,000 रुपए में बिक्री करते हुए पकड़ा था, तब ये पूरा मामला खुला है। आप समझ गए होंगे जो हम समझाना चाह रहे हैं कि ये पूरा जो मामला खुला भिवानी के रोहतक गेट के पास एक जो है मेडिकल स्टोर संचालक को जो है कि दो इंजेक्शन रेमडेसिविर के 70,000 रुपए में बेचते हुए पकड़ा था और उसी से ये पूरा मामला खुला है। सुराग के बाद पुलिस ने रिंकू व रामकिशन उर्फ मुकेश को भी काबू किया जो इससे जुड़े हुए थे। रामकिशन एम्बुलेंस चलाता है जबकि रिंकू रेवाड़ी में क्लिनिक चलाता है। देखिए समझिए आप कितनी बड़ी बात की, क्लिनिक में चलाते हैं और तमाम जो चीज़ें हैं कहें रेवाड़ी से जुड़ी हुई है तो कितनी शर्मसार करने वाली स्थिति है। तो रेवाड़ी को किस तरीके से यानी कि कलंकित किया है ये सीधी सीधी तस्वीरें सामने निकल के आ रही है। एक और रेवाड़ी के कई गणमान्य लोग हैं जो जीवन बचाने के लिए लोगों के लिए भाग रहे हैं किसी तरीके से, यानी कि आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरीके से हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी हुई, हाहाकार मचा और यानी कि आप समझ सकते हैं कितने लोग यानी कि यहाँ जो है हताहत हुए और कई हमारे पत्रकार साथी भी इसमें जो है कोरोना से मारे जा चुके हैं और कई लोग जो इसकी अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन इन लोगों को ये वो वहशी दरिंदे हैं जिनको सिर्फ पैसा कमाने की हवस किस तरीके से यानी कि देखिए जानवर इनको बना दिया है कि लोगों के जीवन से खुलेआम खिलवाड़ कर रहे हैं, हैवानियत का यानी कि नंगा नाच खेला गया है। तो आपको पता है 70,000 रुपये के साथ पकड़ा था इसको बिक्री करते हुए, उसी से मिले सबूत सुराग के बाद यानी कि जो सुराग जब उससे मिले तो पुलिस ने रिंकू रामकिशन और मुकेश को भी काबू किया। रामकिशन एम्बुलेंस चलाता है जबकि रिंकू रेवाड़ी के अंदर जो है क्लिनिक चलाता है। सीआईए दित्य इंस्पेक्टर जो है सीआईए सेकंड की टीम ने श्री भगवान यादव ने बताया है कि जो खबर जो छपी है वह हम आपको बता रहे हैं कि सत्यनारायण से पूछताछ में यह बात सामने आई है कि एंटीबायोटिक टैबलेट पीस करके और ग्लूकोस व नमक उसमें मिलाकर के मिश्रण करके और जो है नकली रेमडेसिविर बनाए जा रहे थे। आप समझ सकते हैं कि ग्लूकोस और जो एंटीबायोटिक टैबलेट को पीस करके नमक वगैरह मिला करके इसको जो है रेमडेसिविर बना दिया जाता था और उसको 35-35, 50-50 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा था। कितना जघन्य अपराध यानी कि ये सामने आया है और आप समझ सकते हैं कि ये इंजेक्शन ये जो जिन लोगों को लगा है ये लोग खुद यानी कि तैयार करते थे और इनको बेचा करते थे। अब आप समझ सकते हैं कि जिनको रेमडेसिविर लगा है उनको कितना फ़ायदा हुआ होगा या वो कैसे अपनी जान गंवा चुके। लोग ये समझते रहे कि हम इतना महंगा रेमडेसिविर लेकर के अपने जो है मरीज को बचा रहे हैं और यानी कि देखिए किस तरीके से उसकी जान जा रही है। तो ये कई सारी जो चीज़ें निकल के आई, ये खबर दिखाने का मकसद ये था कि ये खबर रेवाड़ी से जुड़ी है, शायद किसी चैनल ने अभी तक दिखाई हो ना दिखाई हो लेकिन एचआर न्यूज़ ने इसको अपना कर्तव्य समझा कि इस खबर को दिखाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि किस तरीके से कुछ हैवानियत के दरिंदे किस तरीके से लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने आपको वो भी दिखाया था कि किस तरीके से डॉक्टर इलाज के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं, 50-50 हज़ार रुपये एक एक दिन का वसूल कर रहे हैं। हालांकि उसमें भी कार्रवाई हुई लेकिन कार्रवाई संतोषजनक नहीं मान रहे हैं लोगों का मानना है कि जिन लोगों का पैसा ले लिया गया उनका पैसा रिटर्न होना चाहिए या जिन लोगों को लूटा गया है जिन लोगों का पैसा खोसा गया है जिन लोगों का वो तमाम चीज़ें वापस होनी चाहिए और सख्त और कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि आपको बताया पिछले दिनों जिला उपायुक्त ने दोनों हॉस्पिटलों को डी नोटिफाई कर दिया है लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने कहीं ना कहीं सुस्त रवैया दिखाया। इन हॉस्पिटलों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी क्योंकि उस खबर की प्रतिक्रिया जो आ रही है लोगों की हमारे कमेंट बॉक्स में जो आ रही है उससे लोग संतुष्ट नहीं है। लोगों का मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अब एक और ये खुलासा जो हम करने जा रहे हैं, ये जो हम आपको बता रहे हैं कि भिवानी सीआईए सेकंड की टीम ने जो कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि किस तरीके से रेवाड़ी के लोग यानी कि रेवाड़ी से जुड़ी हुई खबर है क्योंकि रेवाड़ी के लोगों के नाम इसमें आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा कलंकित रेवाड़ी को किया है। सीधा लाइव हम आपको दिखा रहे हैं। आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप हमारे इस खबर को शेयर आगे कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कीजिए और लोगों को लगातार शेयर कीजिए ताकि ये खबर आम लोगों तक पहुंच सके किस तरीके से यानी कि पूरा नेक्सस ये काम करता था किस तरीके से लोगों से जीवन से लोगों के खिलवाड़ कर रहा है। जहां एक और दुआएं की जा रही है कि लोगों को बचाया जाए वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए उनकी हवस यानी कि आप समझ सकते हैं किस तरीके से पैसा उन लोगों के लिए महत्व रखता है। और आपको बताएंगे इस सत्यनारायण के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कि इसका आपका प्रोफाइल भी बताएंगे कि फेसबुक पे किस तरीके से ये अपने आप को प्रदर्शित करता था। लोगों को फेसबुक पे जो इसका प्रोफाइल है किस तरीके से आप खोल के देख सकते हैं कि किस तरीके से अपने आप को सरकार के साथ जोड़ करके ये सरकार के केंद्र सरकार के गुणगान करता था। उसी को लेकर के कोई इस पे हाथ ना डाले क्योंकि आज तमाम कई सारे लोग हैं जिन्होंने अपना एक एजेंडा बना लिया कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल नेताओं की फोटो लगाओ और अपने आप को सेफ करो, उनके गुणगान करो, सरकार के गुणगान करो।
करो और अपने आप को लोगों के बीच में दिखाओ कि आप कितने सत्वंती हैं और कितने समझदार हैं, कितने ज्ञानी हैं, ताकि आप पर कोई शक ना करे। लेकिन कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से, कि आप जितना ही पाप कर लीजिए कहीं ना कहीं फंसेंगे जरूर। तो वही चीजें निकल करके आई है। तो भिवानी जो CIA टीम ने जो कार्रवाई की है सेकंड ने, ये उसके लिए बधाई है कि किस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। अभी हमारी बात हुई है जो CIA सेकंड टीम के इंचार्ज हैं, वो कल हमसे बात करेंगे पूरे इस मामले की जानकारी लेकर के, और भी इसमें खुलासा वो करेंगे, वो भी हम आपको उम्मीद करिए कि हम आपको वो दिखा पाएंगे। तो देखिए आपको बताएं, और इसके अंदर जो पूरा मामला खुला है, ये सत्यनारायण नाम का व्यक्ति है जो यानी कि यहाँ रेवाड़ी के सिविल हॉस्पिटल में और जो है दवाई की दुकान चलाता था, फार्मेसीज ने की हुई है। और आपको बता दें इसके बहुत पुराने तार जो है जुड़े हुए हैं हॉस्पिटलों से, कई सारे हॉस्पिटलों में ये काम कर चुका है, दवाई बेच चुका है। और हिमाचल से भी आपको बताएं, आरोपी सत्यनारायण की हिमाचल में दवा फैक्ट्री पिंजौर से यानी कि फार्मेसी एजेंसी के माध्यम से रेवाड़ी व भिवानी में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध करवाता था। ये देखिए तमाम जो चीजें अखबार में छपी हुई है कि किस तरीके से अब तक उसने करीब 200 इंजेक्शन बिक्री की बात यानी कि कबूल ली है कि 200 इंजेक्शन वो बेच चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि 200 लोगों के जीवन से वो खिलवाड़ अब तक कर चुका है। यानी कि अगर कोरोना से मौत हुई है तो ये मान के चल लीजिए 200 मौत का जिम्मेदार ये खुद शख्स है जिसने नकली रेमडेसिविर बेचे हैं और डॉक्टरों ने उनको लगाया है। तो आप समझ सकते हैं पैसा कमाने के लिए अगर कोई किस हद तक गिर सकता है। ये तमाम चीज़ें जो हैं तो सीधा अखबार में छपा है कि अब पुलिस इन इंजेक्शन को यानी कि तैयार करने व कराने वाले की तलाश में जुटी हुई है। श्री भगवान यादव इंचार्ज है CIA दित्य भिवानी, ये उनका बयान छपा है। तो हम आपको ये बता रहे हैं, बकायदा भी 4-5 दिन पहले अखबार के अंदर ये बकायदा खबर छपी है, बड़े लेवल पे खबर छपी है। ये खबर आपको दिखाना बेहद ज़रूरी था कि किस तरीके से इलाज के नाम पर आप समझ सकते हैं कि हैवानियत का नंगा नाचा जा रहा है। एक तरफ लोग दुआएं कर रहे हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे, सरकार लॉकडाउन लगा रही है, लोग अपने घरों में अपने कारोबार को बंद कर करके यानी कि अपने घरों में कैद है। मीडिया भी कई कर्मचारी घरों में कैद है कि यार लोग कह रहे हैं कि आपको कहीं कोरोना ना हो जाए। और कुछ लोग जो सिर्फ कोरोना को इन्होंने आपदा में जो अवसर समझा, आप समझ सकते हैं कि हम आपको बार बार बता रहे हैं। सत्यनारायण का फेसबुक पे आप जाकर के देख सकते हैं, ये फेसबुक पर भी जुड़ा हुआ है, इसका फेसबुक पर भी बना हुआ है, साइट पर आप देख सकते हैं कि ये अपने आप को कितना सरकार के साथ खड़ा हुआ, केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ा हुआ अपने आप को दिखाता है, बड़े बड़े नेताओं की तारीफ करता है और यानी कि कोई इस पर हाथ ना डाले। तो ये लोगों ने एक हथियार बना लिया कि आप अपने साथ बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े लोगों की आप फोटो जोड़ लीजिए ताकि आप पर कोई हाथ ना डाले। लेकिन कहते हैं ना कि आप कितना ही कर लीजिए, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं है, वो चीज़ स्थिति है। ये भिवानी CIA टीम ने जो ये कार्रवाई की है, यानी कि CIA 2 ने जो कार्रवाई की है, ये वाकई सराहनीय कार्रवाई है। इसके लिए वो बधाई की पात्र है कि उन्होंने एक इस तरीके का यानी कि कारोबार करने वाले लोगों को लगातार यानी कि जो गिरफ्तार किया है। तो आपको बता दे, एक और आपको बता देते हैं इसमें पूरा मामला, रोहतक CIA के यानी कि आप जो समझ सकते हैं, हमने आपको बताया था 7 मई को ये मामला सामने आया था। और मेडिकल स्टोर संचालक जो रेमडेसिविर के 2 नकली इंजेक्शन जो 70,000 के साथ गिरफ्तार किए, उसकी जब तफ्तीश की गई तो तमाम ये चीज़ें खुलासा निकल कर के आया कि इसके तार तो सारे रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं। अभी इस मामले में और भी खुलासा होगा, धीरे धीरे हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन आपको बता देते हैं कि रेवाड़ी को कहीं ना कहीं कलंकित कर दिया है, इसीलिए आज आपको ये खबर दिखाना बेहद ज़रूरी था। और ये बताया जा रहा है कि सत्यनारायण कर्णवास का है, रहने वाला है, और बावल रोड पर भी इसने अपना एक मकान बना करके ये रह रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम उम्र में इसने इतना मोटा पैसा कमाया। पैसा कमाने का जुनून कहीं ना कहीं इंसान को किस तरीके से अंधा बना देता है, पैसे की हवस ने किस तरीके से इनको गिरा दिया है कि इनको इंसान से, इंसान की कीमत यानी कि जीवन की कीमत से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, चाहे वो पैसा किसी भी तरीके से आए, जायज या ना जायज, इनको कोई इस चीज़ की सरोकार नहीं है। क्योंकि अपने बयानों में जिस तरीके से खुलासा निकल करके आया है कि किस तरीके से रेमडेसिविर जो 2450 रुपये का ओरिजिनल इंजेक्शन है, पिछले हमने आपको दिखाया था 23,000-23,000 रुपए में, 50,000-50,000 रुपए में लोगों ने शिकायतें की थी कि हमें रेमडेसिविर का इंजेक्शन। अभी और भी आपको इसमें खुलासा करेंगे, आपको बताएंगे कि इनका जो मकसद था वो ये था कि ऑक्सीजन का प्लांट लगाया जाए। इसी भी बातें इसमें आ रही है कि जो सत्यनारायण है, इसका सीधा मकसद था कि ऑक्सीजन को भी इसी तरीके से यानी कि ऑक्सीजन का भी ब्लैक किया जाए। क्या कुछ उसमें भी अभी धीरे धीरे खुलासा होगा, क्योंकि अभी ये 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ये चले गए हैं। तो जाहिर है दोबारा जब पुलिस इनको लेकर के आएगी रिमांड पर, अभी और भी
खुलासा होगा, उसके बाद अभी यानी कि कई सारी चीज़ें सामने आएगी। लेकिन एक शर्मसार और कलंकित करने वाला यानी कि रेवाड़ी को ये वाक्य सामने आया है कि किस तरीके से रेवाड़ी को कलंकित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं ये भिवाणी की खबर है, भिवाणी ने जो कार्रवाई की है CIA 2 ने, वो बधाई की पात्र है। लेकिन जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उसके लिए आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इस वक्त पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, सरकारों ने लॉकडाउन लगाया हुआ है तमाम राज्यों के ने, और लोग घरों के अंदर कैद है कि किसी तरीके से कोरोना की चैन टूटे। लेकिन कुछ लोग इस चैन को टूटने ना टूटने से उनको फर्क नहीं, उनको सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, उनकी भूख पैसा है, ना उनको किसी की जान से सरोकार है, ना किसी को भाईचारे से कोई सरोकार है, ना किसी की इंसानियत से सरोकार है। इसमें अभी आपको और बताते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ही सत्यनारायण दवाई का काम करता है, इसके तमाम डॉक्टरों से लिंक है कहीं ना कहीं। अगर गहनता से इसमें छानबीन हो तो कई डॉक्टर भी इसमें नप सकते हैं, उनकी गर्दन भी यानी कि डॉक्टर की गर्दन भी हाथ में आ सकती है। जाहिर है बिना डॉक्टरों की सहमति के ये काम नहीं हो सकता, जाहिर है इसके अंदर डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर इन्वॉल्व हो सकते हैं कि किस तरीके से नकली दवाइयां बिक रही है, नकली इंजेक्शन बिक रहे हैं, लगाने वाला भी डॉक्टर ही है। तो जाहिर है इसका भी जब और रिमांड पर लिया जाएगा और अभी खुलासा होगा तो चीजें निकल के आएंगी कि किस तरीके से यानी कि डॉक्टर की मिली भगत भी इसमें शामिल हो सकती है कि किस तरीके से। और जाहिर है बिना डॉक्टरों की सह के काम नहीं हो सकता, आप ये समझ लीजिए फार्मासिस्ट इतना काम नहीं कर सकता। फार्मासिस्ट जो काम करता है या जो दवाई का काम करता है, वो जाहिर है डॉक्टरों को इस कदर मोटा कमीशनर वो पहुंचाता है, उसी के चलते तमाम चीजें होती है। जब आप समझ सकते हैं 2450 रुपये का इंजेक्शन और वो भी नकली तैयार किया जाता है और 35,000-35,000 रुपये में इंजेक्शन बेचा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कितना मोटा मार्जिन यानी कि लोगों का होगा, किस तरीके से रातों रात करोड़पति अरबोंपति बनने के सपने देख रहे हैं और लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अभी देखने वाली बात होगी, एचआर न्यूज की लगातार इस पर निगाह बनी रहेगी कि आने वाले दिनों में हम आपको इस खबर का और अपडेट दें। कल हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको CIE 2 के जो इंचार्ज हैं उनसे हम आपको सीधा रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से रेवाड़ी को कलंकित किया गया है और आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।